चार साल के बच्चे को कुत्ते ने नोच नोच कर मार डाला, फाड़ दिया था पेट। देश में कुत्तों का आतंक अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन किसी न किसी शहर से कुत्तों के हमलों की खबरें सामने आती रहती है। वही ताजा मामला है तेलंगाना का। यहाँ रविवार को एक चार साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला था। वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कुत्तों का हमला इतना भयानक था कि जो है उन्होंने बच्चे का पेट भी फाड़ दिया और हमले के तुरंत बाद बच्चे को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जहां उसकी मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में जो साफ साफ दिख रहा है कि बच्चा सड़क पर टहल रहा है, तभी तीन कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। कुत्ते उसे उस पर हावी हो जाते हैं और उसे खींचकर एक कोने में ले जाते हैं, जहां बच्चे की मौके पर मौत हो जाती है। बच्चे का नाम प्रदीप है और उसके पिता चौकीदार का काम करते हैं। घटना निजामाबाद का है और इस घटना ने आवारा कुत्तों के खतरे पर बहस फिर से शुरू कर दिया है। कई लोग आवारा कुत्तों पर अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं अब। लेकिन इसी दौरान इससे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भी शनिवार को आवारा कुत्तों ने एक साल के बच्चे को काट लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस अधीक्षक सूरज राय ने यह कहा कि कान्हा नाम का लड़का विलासपुर गांव में अपने घर के पिछवाड़े में खेल रहा था, तभी एक कुत्ता अचानक से आवारा कुत्ता ने उस पर हमला कर दिया। लड़के के परिवार के सदस्य ने कहा कि आवारा कुत्ते कान्हा को काटते रहे और जब तक ग्रामीण उसे बचाने आते, लड़के का काफी खून बह चुका था और इसके बाद ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाया और कान्हा को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। और ये तस्वीर देखिए अच्छे से, एक चार साल का मासूम बच्चा जो सड़क पर टहल रहा है और इसी दौरान तीन चार आवारा कुत्ते पीछे से आकर इस बच्चे पर किस तरह से हमला कर देते हैं और ये भयानक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखकर रोंगटे खड़े होने वाली ये वीडियो, अगर आपके सामने आस पड़ोस में कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, तो अपने बच्चे को इस तरह से खुला ना छोड़े। चार साल के बच्चे को कुत्ते ने नोच नोच कर मार डाला, फाड़ दिया था पेट। देश में कुत्तों का आतंक अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन किसी न किसी शहर से कुत्तों के हमलों की खबरें सामने आती रहती है। वही ताजा मामला है तेलंगाना का। यहाँ रविवार को एक चार साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला था। वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कुत्तों का हमला इतना भयानक था कि जो है उन्होंने बच्चे का पेट भी फाड़ दिया और हमले के तुरंत बाद बच्चे को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जहां उसकी मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में जो साफ साफ दिख रहा है कि बच्चा सड़क पर टहल रहा है, तभी तीन कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। कुत्ते उसे उस पर हावी हो जाते हैं और उसे खींचकर एक कोने में ले जाते हैं, जहां बच्चे की मौके पर मौत हो जाती है। बच्चे का नाम प्रदीप है और उसके पिता चौकीदार का काम करते हैं। घटना निजामाबाद का है और इस घटना ने आवारा कुत्तों के खतरे पर बहस फिर से शुरू कर दिया है। कई लोग आवारा कुत्तों पर अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं अब। लेकिन इसी दौरान इससे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भी शनिवार को आवारा कुत्तों ने एक साल के बच्चे को काट लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस अधीक्षक सूरज राय ने यह कहा कि कान्हा नाम का लड़का विलासपुर गांव में अपने घर के पिछवाड़े में खेल रहा था, तभी एक कुत्ता अचानक से आवारा कुत्ता ने उस पर हमला कर दिया। लड़के के परिवार के सदस्य ने कहा कि आवारा कुत्ते कान्हा को काटते रहे और जब तक ग्रामीण उसे बचाने आते, लड़के का काफी खून बह चुका था और इसके बाद ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाया और कान्हा को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। और ये तस्वीर देखिए अच्छे से, एक चार साल का मासूम बच्चा जो सड़क पर टहल रहा है और इसी दौरान तीन चार आवारा कुत्ते पीछे से आकर इस बच्चे पर किस तरह से हमला कर देते हैं और ये भयानक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखकर रोंगटे खड़े होने वाली ये वीडियो, अगर आपके सामने आस पड़ोस में कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, तो अपने बच्चे को इस तरह से खुला ना छोड़े।